ये खेती वाली है, नीली खेती। आ लड़का कितना चार तो कितनी आएगी वो उसमें थी भाग हो गया। जमीन जायदाद नहीं है, वो लोग जंगल की जमीन कर रहे हैं आजकल। और इसमें क्या हो रहा है, किसी के पास जमीन है किसी के पास नहीं है, ऐसा भी है जिसको सनद बोलते हैं, सनद दी गई है, जिसके पास सनद है उसके पास जमीन नहीं है। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्यों? मेरे दादा दादी नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते दादा दादी? करने जाते सब लोग। खेतों में काम है इसलिए। आप काम करते हो खेती में? हाँ। आपका उम्र कितना है? 13 वर्ष है। 13 वर्ष है। काम करते हो आप? हाँ। कितना कमाते हो? 100 रुपए मिलता है। आपका भाई बहन है? या ये यहाँ पे ही सोते हैं क्या ये लोग? ऐसा ग्राम्य कक्षा के हैं इसलिए थोड़ा कमजोर रहते हैं। वाली जो है वाली फादर 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 मदर जो उनका ध्यान थोड़ा कम रहता है, इसलिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसी पर सब डिपेंड करता है। होमवर्क तो देते हैं, हाँ थोड़े लोग लाते हैं थोड़े नहीं लाते हैं। उंगली परेशान मारते हैं, उंगलियां दुखती है और खाना नहीं खाना आता। टीचर भी कहता है लात से मारता है, गाली भी बहुत देते हैं। खावानो तने बेटा मजा आवे छे खावा नहीं है? हां अच्छा लग रहा है। रोज रोज सही खाना लाए बनाते हैं रोज। रोज चलता है, पसंद आ रहा है खाना? जरा के गाड़ी यहाँ 45 किलोमीटर दूर रहती है सोनगढ़ में। अच्छा अच्छा। हाँ तो इमरजेंसी में कहीं किसी इधर ही मर गए। अच्छा अच्छा। टाइम पे पहुँचती नहीं। अच्छा। इसीलिए 108 की इधर मांगनी है लोगों की। पानी तो साथ में रिवर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 2022 तक सरकार बोलती है सबको पक्का घर मिलेगा, लेकिन इस साल में एक भी घर नहीं आता है एक गाँव में, तो कैसे 2022 तक सबको पक्का घर मिलेगा? आते हैं कि नहीं? ये खाली माही दिखता हूँ, मिठाई कर रहे हैं जगह रुके ही जगह से लिया तो जैसा उसे पड़े हैं ना। आप
आपको उम्र कितना है? उम्र 60 साल हो गया आपको। पेंशन नहीं मिलता? नहीं। काम कर, मजदूरी का काम करता है खेती में। पढ़े आपने? आपने पढ़ा है? सारे पढ़े, 10वीं 12वीं। 10वीं 12वीं उसके बाद नहीं पढ़े, क्यों? परिस्थिति ऐसी थी पहले। अच्छा, अभी तो यहाँ पे नौकरी कहाँ मिलते है आपको? नौकरी तो कहीं पे नहीं मिलती। अब तो वगैरह नहीं जाते? सूरत, अहमदाबाद, गुजरात। हाँ, ऐसे तो सूरत है, जाते हैं महीना दो महीना, लेकिन वहाँ भी मजूरी वाला ही काम मिलता है, दूसरा काम नहीं मिलता। Okay. कितने पैसे मिलता है इससे? 9 रुपया एक साड़ी का। ये एक साड़ी करने में कितना टाइम लगता है आपको? एक डेढ़ कलाक में। वो गवर्नमेंट का ही है, CSC कॉमन सर्विस सेंटर। हाँ, तो वो उन लोगों के साथ मैंने बातचीत की, उसने आईडी दी, उस पर हम काम कर रहे हैं। हुई ना सर, वो तालुका में हूँ। हाँ, तालुका पंचायत में। आपके नाम पे है CSC? हाँ सर, मेरे नाम। थैंक यू। समझ गया सर, क्या बोल। बारिश के मौसम में हम शौच क्रिया शौचालय में जाते हैं और खुल्ला के बाद बाहर जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। क्यों जाते हैं? कारण क्या है उसका? बाहर क्यों? बाहर अंदर जाओ, जब बारिश में जाते हैं तो रोज बारिश में हरा वर्षा दुम भी जाता है तो फाचो खुल्लम कहा जाता है कि आके नहीं खुल दीर है हम આજુબાજુ સ્વચ્છતા રાખીએ અને એમ પણ ગાંધીજી નું સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલે જ છે તો આપણે એ સંપૂર્ણપણે આપણા ઘર અને આંગણા ને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ અને આજુબાજુ નો કચરો કે ખાબોચિયા ને બાગ બગીચા, જાહેર સ્થળો, ગામ તથા શહેર અને દેશને ગંદકી તથા પ્લાસ્ટિક કચરા થી મુક્ત કરવા હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીશ। જમુના પછી ના કે મની ના થઈ।